अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9, दैट इज मनी। नाउ ओपन पेज नंबर 74 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हियर वी हैव अ चैप्टर मनी। स्टूडेंट्स, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द वर्ड ऑफ मनी। एनीथिंग दैट पासेस फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and is generally received in final discharge of debts. This definition is given by Dr. Richard Alley. As you all know, money hum paiso ko kehte hain. Money hand to hand flow karta hai. Money se hum koi bhi commodity buy kar sakte hain. That is why hum money ko मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मनी से हम अपने डेब्ट्स भी डिस्चार्ज करवा सकते हैं। डेब्ट्स मींस जो भी हमने लोन या एडवांसेस लिए हुए हैं वो हम मनी से पूरा कर सकते हैं। मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल। मनी से हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल मनी एज अ प्राइस मैकेनिज्म इन मॉडर्न इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम। व्हेन बार्टर सिस्टम वॉज यूज्ड एज एन एक्सचेंज मीडियम द नीड्स ऑफ पीपल वर वेरी लिमिटेड। द बार्टर सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड It dates to 6000 BC. This trading method doesn't involve money and it relies solely on exchanging goods and services for other services and goods in return. Now, अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जब हमारे पास मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक्त लोग आपस में चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। बार्टर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी 6000 BC में यूज़ हुआ करता था, लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फार्मर के पास राइस है लेकिन उसको क्लोथ्स की नीड है, then he would look for that person who needs rice and have surplus of clothes. In barter system, money is not used as a medium of exchange. Goods are exchanged for goods. Now we will discuss the difficulties of barter system. Now students, open page number 74. Here we have a difficulties of barter system. The first difficulty is lack of double coincidence. Double coincidence means when both the parties have to agree to sell and buy each commodity, or they exchange these items directly without money. For example, एक वीवर है जिसके पास surplus clothes हैं, but उसको wheat की need है. Now he will find out that person जिसको सरप्लस क्लोथ्स की नीड्स हो, लेकिन इन रिटर्न उसके पास सरप्लस वीट भी होना चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सचेंज। बट इन बार्टर सिस्टम देयर वाज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। द सेकंड डिफिकल्टी वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एज यू ऑल नो, मनी इज़ द मेजर ऑफ एक्सचेंज वैल्यू, बट इन बार्टर सिस्टम देयर वाज a lack of common measure of value. For example, जब barter system था उस वक्त हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि अगर हम किसी से कोई चीज़ exchange कर रहे हैं तो वो हमें उतनी ही quantity में दे रहा है जितनी quantity में हमने उसको अपनी चीज़ दी है। For example, अगर एक person के पास rice है but उसको sugar की need है, अब वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसके पास शुगर हो और इन रिटर्न उसको
राइस भी चाहिए हो तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अब वो इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाएगा कि जितनी मैंने उसको राइस दिया है उतनी ही क्वांटिटी में उसने मुझे शुगर दी है। तो उस वक्त वाटर सिस्टम में हम चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते थे, तो ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी उस वक्त। द थर्ड डिफ़िकल्टी वॉज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यू। इन वाटर सिस्टम डिवीजन ऑफ वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, यानी हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन के पास बुफेलो है बट उसको 1 kg ऑफ टोबैको की नीड है, वो अपनी बुफेलो को 1 kg ऑफ टोबैको के लिए कैसे डिवाइड कर सकता है? ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका लॉस हो जाएगा एंड इट इज़ टू कॉस्टली टू गिव 1 buffalo फॉर 1 kg ऑफ टोबैको ही रिक्वायर्स। सो लैक ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यू वॉज द थर्ड बिगेस्ट डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। द फोर्थ डिफ़िकल्टी वॉज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। एज यू ऑल नो देयर वॉज नो फॉर्मल मनी इन बार्टर सिस्टम, द गुड्स produced by individuals were treated as money, but there was a lack of store of value. For example, the perishable goods could not be stored. Perishable goods उन गुड्स को कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, शुगर, यानी वो फूड आइटम्स जो हम स्टोर कर सकते हैं। अब जाहिर है कि हम इन चीज़ों को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन अगर हमारे पास मनी है तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो वाटर सिस्टम में हम चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते थे। द फिफ्थ डिफ़िकल्टी वॉज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब जो उधार का लेन देन होता है उसको हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। So students, under barter systems, contracts involving future payments cannot take place easily. For example, barter system में हम commodity को exchange किया करते थे। For example, एक person दूसरे person से white color की cow borrow कर रहा है। अब जब वो उसको future में वापस करता है तो वो उसको ब्राउन कलर की काऊ वापस करता है, तो लेंडर ये कहता है कि भाई मैंने तो तुम्हें वाइट कलर की काऊ दी थी और तुम मुझे ब्राउन कलर की वापस कर रहे हो। या इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती थी कि काऊ वेट में ज़्यादा थी और जब वापस करने का वक्त आया तो काऊ वेट में कम है। सो सच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज लेंडर हैड टू फेस ड्यूरिंग डेफर्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन्स डीलिंग्स and lender had to suffer loss. Now moving on towards next topic, evolution of money. Money went through a long evolution before moving to a modern banking system with the convenience of paper money we use today. Let us see the important stages in the evolution of money. Precious metal. After commodity money came the use of precious metals such as gold, silver, copper. Money was valued according to weight and caliber of the metal. Precious metals are also considered a form of commodity money. Money has very old history and many medium of exchange. Money has very old history and many things were used as money. Tools, instruments, cattle, grain, precious metal, coin and paper currency were used from time to time as money. Now students, evolution of money means beginning of money, yani money kis tarah se banna shuru hua, kin kin cheezon ko money consider kiya gaya starting mein, aur phir ye as a medium of exchange use hone laga. Students, money has very old history and many things were used as money. For example, जब barter system था तो हम commodity को exchange किया करते थे commodity से, but जैसे जैसे advancement होने लगी
लोगों ने प्रीशियस मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर को एज अ मनी यूज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों ने कॉइन्स, पेपर करेंसी, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कैटल, ग्रेन को अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिया। बट इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज़ यूज एज द प्राइस मैकेनिज्म। नाउ फंक्शन ऑफ मनी। मनी इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाई पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट्स फंक्शन आर द फॉलोइंग। मनी को लोग ऐसा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सेप्ट करते हैं। अब मनी किस तरह से फंक्शन करते हैं, मनी का क्या काम है, लेट्स डिस्कस। नंबर वन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, यानी हम जब भी कोई कमोडिटी बाय करते हैं तो हम मनी पे करते हैं और उससे वो कमोडिटी बाय कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नंबर टू इज़ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। विथ मनी वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स। मनी से हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg मैंगोज़ 40 rupees के हैं, तो हम 40 rupees के मैंगोज़ ख़रीद सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं, यानी जो भी हमारे पास करेंसी, नोट्स या मेटालिक कॉइन्स हैं उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास सेफ रख सकते हैं। एंड वी कैन स्पेंड इट व्हेनेवर वी नीड इट। नंबर फोर्थ इज़ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड मींस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेफर्ड मींस होता है उधार का लेन देन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम वो मनी की सूरत में लेते हैं और हमें वो मनी की सूरत में ही वापस करना होता है। नंबर फिफ्थ इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मींस मनी को हम अपने साथ कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम जिस तरह से अपनी बाकी चीज़ों को लेके जा सकते हैं, मशीन्स, क्लोथ्स, अपनी बाइक्स को, उसी तरीके से हम मनी को भी अपने साथ उस जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बोथ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सेल योर बिल्डिंग और लैंड इन कराची एंड एक्वायर अ सिमिलर वन इन इस्लामाबाद। सो दैट्स हाउ मनी फंक्शंस। काइंड्स ऑफ मनी। There are three kinds of money. Coins, इसकी further two types हैं, standard coins and token coins. Standard coins वो coins होते हैं जो कि metal से बने हुए होते हैं। These metal are used for exchange commodities and its face value is equal to its metal value. यानी जितनी मेटल पर इसकी प्राइस लिखी हुई है मेटल उतने का ही सेल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेटल पर 12 rupees लिखे हैं तो इसकी जो इसकी फेस वैल्यू है वही इसकी मेटल वैल्यू है। सेकंड, टोकन कॉइन। दे आर मेड ऑफ इंफीरियर मेटल, फॉर एग्ज़ाम्पल निकल और ब्रॉन्ज। इट्स फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इट्स मेटल वैल्यू। इट इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। टोकन कॉइन भी मेटल के कॉइन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निकल की वैल्यू 10 rupees लिखी है लेकिन जब मैं वो सेल करने जाती हूँ तो मुझे वो 10 rupees भी नहीं मिलते। इट मीन्स कि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है दैन इट्स मेटल वैल्यू। The second kind is paper money. Man took a bold and wise step in the development of money and so introduced paper money. Paper money is economical. It is convenient to be carried from
place to place without any danger. It is a printed paper called notes. Paper or bank notes in Pakistan are of value of rupees 1000, 500, 100, 50, 10, 20 are used as currency notes. The third kind of money is credit money. Credit money is also called bag money. It is an important type of money nowadays and it helps in setting big and wide business transactions. Check, bank draft, bill of exchange, promissory notes, demand draft, bonds, hundis, pay orders, these all are the kinds of credit money. The first kind is check. A check is a document that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the persons in whose name the check has been issued. You can see a picture of check. Second is bank draft. Bank draft is also similar to a check. Bank draft. It is just like a written order check drawn by a bank, used when a creditor is unwilling to accept a personal check. It is safer than a check. बैंक ड्राफ्ट चेक बुक को कहते हैं. ये कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है ताकि वो अपनी सैलरी ईजीली निकलवा सके बैंक से. कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बैंक में डिपॉजिट करवा देता है ताकि वो जब चाहे अपनी सैलरी वहाँ से निकलवा सके. इट इज़ सेफर देन अ चेक. Third is bill of exchange. It is an unconditional order which is drawn by the creditor and accepted by the debtor to pay the specified amount on due date to a named person or to his order. Bill of exchange वो bill होता है जो कि seller जब buyer को कोई भी चीज़ उधार पर देता है तो वो उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है जिस पर वो एक डेट मेंशन करता है कि आपको इस डेट पर मुझे इतना अमाउंट वापस करना है जितना आपने उधार लिया था. बिल ऑफ एक्सचेंज ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है. फोर्थ प्रोमिशनरी नोट्स. इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. It is a document stating that a person promises to pay another person a specified sum at a certain date. Promissory note भी बिल्कुल bill of exchange जैसा ही होता है. इसमें एक person दूसरे person से promise करता है कि वो जो भी उससे loan ले रहा है वो वापस कर देगा a specified date पर, जो कि प्रोमिशनरी नोट पर मेंशन होगी. फिफ्थ इज डिमांड ड्राफ्ट. द नेम डिमांड ड्राफ्ट इज एन ऑल्टरनेटिव टर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल एट साइट. डिमांड ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की ऑल्टरनेट फॉर्म को कहते हैं एंड इट इज सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज. नंबर सिक्स इज बॉन्ड. It may be defined as an alternative name for a stock or security issued by governments. For example, saving bonds, defense bonds, and premium bonds, etc. Bond एक debt security होती है जो government, companies वगैरह issue करती हैं ताकि वो debt इकट्ठा कर सके. बॉन्ड बेसिकली जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर को इशू किया जाता है और जो बॉन्ड को इशू कर रहा है उसके पास पैसे आ जाते हैं. जो बॉन्ड को इशू कर रहा होता है उसको बॉन्ड इशूअर कहते हैं और जो बॉन्ड को ख़रीद रहा होता है उसको हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं. बॉन्ड एक पेपर होता है जिस पर
उसकी वर्थ लिखी होती है कि ये बॉन्ड कितनी वर्थ रखता है, और जो इशू कर रहा है उसकी स्टैम्प लगी होती है बॉन्ड के ऊपर। इसके अलावा टाइम पीरियड लिखा हुआ होता है और इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है कि इस बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स बॉन्ड ख़रीदता है 1000 रुपीज़ का, अब 10 साल बाद उसको वो 1000 रुपीज़ तो मिलेंगे, लेकिन जो बीच का टाइम है उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसीलिए लोग बॉन्ड को ख़रीदते हैं। नंबर 7 इज़ हुंडीस। दीज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंडियन मुहाजरीन मनी लेंडर्स हैव बीन यूजिंग दिस टर्म सिंस अननोन टाइम। हंडीस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके ऊपर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था। ये पुराने वक्तों में इंडियन मुहाजिर्स मनी लेंडर यूज़ किया करते थे। नंबर 8, पे ऑर्डर। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट विच अ डिपोजिटर ड्रॉज ऑन हिज बैंकर टू ट्रांसफ़र अ स्पेसिफाइड अमाउंट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी इन टू द सेम और सम अदर बैंक। पे ऑर्डर भी बैंक ड्राफ्ट की एक काइंड को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई बड़ा अमाउंट देना चाहती है तो वो बैंक से पे ऑर्डर बनवा लेती है और अपना अमाउंट उस बैंक में जमा करवा देती है। फिर वो पे ऑर्डर जो है वो सेकंड पार्टी को दे दिया जाता है और फिर उसी पे ऑर्डर से सेकंड पार्टी वो अमाउंट बैंक से हासिल कर लेती है। वैल्यू ऑफ मनी। सिंस मनी इज़ इट्सेल्फ यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड एज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स, इट्स ओन वैल्यू कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू द प्राइजेस ऑफ अदर थिंग्स। मनी को हम किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी अपनी वैल्यू कुछ चीज़ों की प्राइजेस से मेजर की जाती है। देयर आर 3 मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। These causes are associated with the principal concept of money. Number 1, prices of goods. In the first place, the prices of goods keep changing in the market because there are many factors concerned with price mechanism. For example, जब भी season में changes आती हैं या political unrest होता है तो डिमांड में चेंजेस आने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से गुड्स की प्राइसेस में भी चेंजेस आती हैं। अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। For example, we used to buy 1 kg of rice for ₹25 last year, and this year we are buying it at ₹35 per kg. It means the purchasing power of money has fallen down. Now suppose that due to less cost of production, if the same rice will be sold at ₹15 per kg next year, it will mean that the purchasing power of money would have increased. Number 2, supply of money. In the second place, the supply of money causes a change in the value of money. The supply side of money refers to the central bank or to the finance department. The two main procedures are generally adopted by the government while issuing notes, supplying money. When the reserve gold increases in the treasury, the supply of money increases accordingly. Number 2, when the national income, national product of the year increases, the supply of the money is increased in accordance with it. In this way, if the supply of money decreases,
the value of money increases inversely. On the other hand, if the supply of money increases, the value of money decreases. स्टूडेंट, सप्लाई ऑफ मनी के दो प्रोसीजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वाइल इशूइंग नोट और सप्लाई मनी. पहला प्रोसीजर ये है कि जब हमारे ट्रेजरी में रिजर्व गोल्ड इंक्रीज़ होता है तो हमारी सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज़ हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली. सेकेंड प्रोसेस ये है कि जब हमारा नेशनल इनकम, एनुअल नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तो हमारी सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज़ हो जाती है. स्टूडेंट्स, सप्लाई ऑफ मनी मीन्स कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के दरमियान कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसकी कितनी अमाउंट लोगों के पास मौजूद है, लाइक कितने कॉइन्स हैं, कितनी करेंसी नोट्स हैं, कितना पैसा लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, उन सब पैसों का जो सम होता है उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं. लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों को कितना पैसा इशू कर दिया गया है, इन सब का रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के पास मौजूद होता है क्योंकि सेंट्रल बैंक ही मनी की सप्लाई को पूरा करता है. मार्केट में पैसे की जो डिमांड या सप्लाई है उसको देखता है और मार्केट की डिमांड को पूरा करता है. सेकंड, सेंट्रल बैंक बस उतने ही नोट्स इशू कर सकता है जितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस या हमारे पास रिजर्व गोल्ड मौजूद होता है. द थर्ड इज़ वेलोसिटी ऑफ मनी. वेलोसिटी मीन्स सर्कुलेशन ऑफ मनी. सर्कुलेशन ऑफ मनी ऑल्सो ब्रिंग्स चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी. वेलोसिटी कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल बैंक मनी इशू करता है वो कितनी स्पीड में सर्कुलेट कर रहा है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, मींस सर्कुलेशन ऑफ मनी.